गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आरके महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम पेपर नंबर फर्स्ट एलजेब्रा बीजगणित, ठीक है ना, अंकुश बीजगणित पढ़ रहे थे। उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रुप और उसकी थ्योरम एग्जाम्पल वो हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज ग्रुप का सेकंड पार्ट चक्रीय ग्रुप यानी साइक्लिक ग्रुप के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो देखो, अब पढ़ेंगे हम चक्रीय समूह के बारे में। चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर तीन या चार एग्जांपल करेंगे, जिससे उसकी डेफिनेशन कंटेस्ट हो जाएगी। रीजन ये एग्जांपल करने का कि तुम कभी आगे एमएससी के लिए एंटर करोगे या मान लो कभी नैन क्वालिफाई के लिए तैयारी करोगे, वहाँ थ्योरम्स नहीं आएगी, थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए एग्जाम्पल करना जरूरी है, एग्जाम्पल आने की चाहिए, ठीक है। देखो पहले चक्रीय समूह क्या होता है, देखो माना जी एक समूह है, डेफिनेशन माना जी एक समूह है तथा माना ए बिलोंग टू जी, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, तब अवयव ए जी का, तब अवयव ए जी का जनक अवयव, जनक अवयव कहलाता है, क्या लिखा, माना जी एक समूह है तथा माना ए प्लस जी, जी का कोई स्वैच्छिक अवयव है, तब अवयव ए जी का जनक अवयव, जेनेटिक एलिमेंट कहलाता है, कहलाता है यदि जी के प्रत्येक, यदि जी के प्रत्येक अवयव को, जी के प्रत्येक अवयव को ए की घात के रूप में प्रदर्शित कर सके, प्रदर्शित या व्यक्त कर सके तथा जी को, तथा जी को चक्रीय समूह कहते हैं। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप, माना
जी एक समूह है तथा माना ए डब्ल्यू जी जी का कोई क्षैतिज अवयव है तब अवयव ए जो एलिमेंट है ना ए जी का जनक अवयव कहलाता है। यदि जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित या व्यक्त कर सके तथा जी को चक्रीय समूह कहते हैं। क्या बोला समझना, देखो कोई भी जी एक समूह है, जी क्या एक समूह है तो चक्रीय समूह कब कहलाएगा, जब उसका कोई एलिमेंट ले लिया मैंने ए। जी चक्रीय समूह कब कहलाएगा, जब मैंने उसका एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है, और जी के अन्य एलिमेंट को मैं उस ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर सकूं, तो वो ए क्या कहलाता है, उसका जनक अवयव, जनक का मतलब उससे पैदा हुए बाकी एलिमेंट, और वो जी जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। चक्रीय क्यों बोला, क्योंकि वो ए एलिमेंट था, बाकी एलिमेंट उसी से पैदा हुए, एक चक्कर बन गया ना, इसलिए उसको बोल दिया चक्रीय समूह, ठीक है। देखो समझो आगे डेफिनेशन, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखो, वही वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ग्रुप समूह क्या क्या होंगे, समूह ये होगा जी कोमा डॉट, नीचे सबसे डॉट हो गई, और मुझे क्या पता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर तो जीरो होता है और ओमेगा क्यूब क्या होता है वन, ये कंडीशन भी मुझे पता है। अब मुझे क्या देखना है, ये देखो जी के अंदर कितने एलिमेंट है, एक दो तीन, मुझे ये चेक करना है कि किस एलिमेंट की मैं घात करने पर बाकी सारे एलिमेंट निकाल सकता हूँ, है ना। तो देखो वन की बात करते हैं, वन की पावर वन करोगे तो वन, वन की पावर टू करोगे तो भी वन, वन की पावर थ्री करोगे तो भी वन, इससे बाकी एलिमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये नहीं जनक अवयव, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा, ओमेगा की पावर वन करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा ये वाला एलिमेंट आएगा, ओमेगा की पावर टू करूंगा, ओमेगा की पावर टू क्या हो जाएगी, ओमेगा की पावर टू ये भी आ गया, ओमेगा की पावर थ्री करूंगा क्या आएगा वन, ये भी आ गया, आया नहीं अच्छी सोच में, क्या बोला कोई भी एलिमेंट हो और उसकी एक पूर्णांक घात से बाकी एलिमेंट फाइंड कर लिया तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा यानी जनक अवयव, और वो ग्रुप क्या हो जाएगा, वो ग्रुप हो जाएगा चक्रीय ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर को चेक कर लेते हैं, है ना। देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर वन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर टू क्या आएगा, ओमेगा पावर थ्री और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर टू यह आ गया ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा क्यू हो गया वन और ओमेगा ये मेरे पास आ गया ओमेगा, यह एलिमेंट भी आ गया, ये भी आ गया, ओमेगा की पावर कितना है थ्री भी आ जाएगा, ओमेगा की पावर सिक्स इसका मतलब ओमेगा की पावर थ्री का स्क्वायर इसका मतलब वन, ये एलिमेंट भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका जनक अवयव हो गया, तो मैं लिखूंगा अतः यहाँ लिखू अतः ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर समूह
जनक अवयव है और जी रोड और जी रोड एक चक्रीय समूह है। एक एग्जाम्पल तो क्या है, ये सबसे इजी एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल इसलिए कराया जाता है क्योंकि इससे इजी से समझ में आता है। डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी ले सकते हो, तो होंगे भी, सॉल्व करो बैठे हो। ये इजी इसलिए ले रहे इसे क्या समझ में आता है, चार-पांच एग्जाम्पल है फिक्स और आते भी कई बार डेफिनेशन के साथ। क्या होता है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मतलब ग्रुप की डेफिनेशन बताओ, चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन बताओ, सब ग्रुप की डेफिनेशन बताओ, ठीक है, और उनके साथ के साथ विद एग्जाम्पल भी दो। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी जल्दी है इजी एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, तुम एग्जाम्पल आसानी से याद हो सकते, एग्जाम्पल सबके साथ सुटेबल है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, वही एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था, वन माइनस वन आएगा माइनस आएगा, इसमें भी चेक करते हैं। तीन चार एग्जाम्पल करोगे चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो पहले बात करते हैं वन की, वन की पावर वन बी वन, वन की पावर टू बी वन, वन की पावर थ्री बी वन, वन की पावर फोर बी वन, कोई सा एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब वन जो है वो जनक अवयव नहीं है। आगे की चीज हमने अब करते माइनस वन, माइनस वन की पावर वन माइनस वन चलो आ रहा है, माइनस वन की पावर टू प्लस वन चलो आ रहा है, माइनस वन की पावर थ्री वन माइनस वन, रिपीट बाकी को एलिमेंट नहीं आ रहा, आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, ये भी नहीं। अब बात करते हैं आयता की, देखो आयता की पावर वन आयता, आयता की पावर टू माइनस वन, आयता की पावर थ्री माइनस आयता, आयता की पावर फोर वन। देखो आयता भी आ गया माइनस वन भी आ गया, माइनस आयता भी आ गया वन भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आयता जनक अवयव हो गया। आगे समझ में, अब माइनस आयता की बात करते हैं, माइनस आयता की पावर वन माइनस आयता, माइनस आयता की पावर टू प्लस वन, माइनस आयता की पावर थ्री माइनस आयता प्लस आयता, माइनस आयता की पावर फोर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाए, यहाँ पे पिछली बार प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयता का स्क्वायर माइनस वन, माइनस का पावर फोर प्लस हो जाएगा, आयता का पावर फोर प्लस हो। देखो माइनस आयता भी आ रहा है, माइनस वन भी आ रहा है, आयता भी आ रहा है, प्लस वन भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, और ग्रुप क्या था मतलब समूह, समूह था जी डॉट। अतः समूह जी समूह जी डॉट के समूह जी डॉट के जनक अवयव आयता और माइनस आयता, अतः समूह जी डॉट के जनक अवयव आयता और माइनस आयता। अतः समूह जी डॉट एक चक्रीय
समूह है। ये भी एग्जांपल आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए मतलब समूह जी डॉट एक चक्रीय समूह है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, डेफिनेशन मिटा दो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद उसको मिटाइए कि डेफिनेशन को। देखो आगे, अब आगे हमने क्या किया था, एक और लेते जी, जीरो वन टू थ्री फोर और प्लस फाइव तीनों सम से जोड़ सबसे नियम ये था। अब इसमें हम चेक करेंगे, देखो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा चक्रीय ग्रुप में जनक अवयव है। क्या चेक करेंगे, इन पांचों एलिमेंट में से कौन सा जनक अवयव है, क्या है जनक अवयव। बात करते हैं जीरो की, देखो जीरो की पावर वन करूंगा तो जीरो आएगा, जीरो की पावर टू करूंगा तो जीरो प्लस फाइव जीरो, वो भी जीरो आएगा। ऐसे आगे कितनी पावर करोगे तो भी वो जीरो प्लस फाइव जीरो प्लस फाइव जीरो प्लस फाइव जीरो प्लस फाइव जीरो, वो भी जीरो आएगा। कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो जीरो की, जीरो की बात कर। अब बात करते हैं वन की, वन की पावर वन वन आएगा, वन की पावर टू यानी कि वन प्लस फाइव वन यानी टू आ गया, वन की पावर थ्री यानी कि वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन यानी कि थ्री आ गया, वन की पावर फोर यानी कि वन समशेष फाइव प्लस वन समशेष फाइव प्लस वन समशेष फाइव वन इतना आ गया, फोर आ गया, ठीक है। उसके बाद में वन की पावर फाइव करूँगा तो वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन टू थ्री फोर वन कितना आएगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आ गया, पाँच माइनस कर देंगे तो क्या आ गया जीरो। देखो जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, टू भी आ गया, थ्री भी आ गया, फोर भी आ गया ना। इसका मतलब वन क्या हो गया, इसका जनक अवयव हो गया। अब बात करते हैं टू की, देखो टू की पावर वन टू, टू की पावर टू यानी टू प्लस फाइव टू यानी कि फोर, टू की पावर थ्री टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू यानी टू प्लस टू प्लस टू सिक्स, सिक्स में फाइव गया तो वन। फिर देखो टू की पावर फोर टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू, देखो वन टू थ्री टू या फोर, दो दो चार, चार दो छः, छः आते हैं क्या कर देंगे, पाँच माइनस कर देंगे तब क्या एक, एक और दो तीन। फिर देखो टू की पावर फाइव क्या हो जाएगा, टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव, एक दो तीन फिर टू फिर प्लस फाइव फिर टू, एक दो तीन चार पाँच, देखो दो दो चार, चार दो छः, छः आते पाँच बना देंगे एक, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच आते पाँच बना देंगे तो जीरो। देखो जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, टू भी आ गया, थ्री भी आ गया और फोर भी आ गया, तो वन भी देखो टू भी जनक अवयव हो गया। अब बात करते हैं थ्री की, है ना, देखो यहाँ ठीक है,
यहाँ तक निकल गया। देखो सी की पावर जीरो, सी की पावर जीरो टू जीरो तक, हाँ जीरो चेक किया ना हमने, यहाँ वन की पावर वन, और एक वन की पावर जीरो वन वन तो जीरो आ गया, वन की पावर आता रहे। देखो थ्री की पावर वन थ्री, थ्री की पावर टू थ्री प्लस फाइव थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फाइव गया था वन, थ्री की पावर थ्री थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में फाइव गया तो वन, वन और थ्री फोर, फिर देखो थ्री की पावर फोर थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में फाइव गया तो फोर है ना, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में फाइव गया तो वन, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन में से फाइव गया तो टू, थ्री की पावर फाइव, देखो थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, देखो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में से फाइव गया तो वन, देखो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में से वन गया तो वन, सिक्स में से फाइव गया नीचे फाइव है ना, सम से फोर फाइव तो वन, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, पाँच से ज़्यादा आ गया तो पाँच घटा देंगे कितना हो गया टू, टू प्लस थ्री फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव आ गई वापस पाँच घटा देंगे कितना आया जीरो, तो जीरो भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, ठीक है ये थ्री इसी का ही आ गया, ये सारे आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी फोर की, किसकी बात करते हैं फोर की, देखो फोर की पावर वन फोर, फोर की पावर टू फोर प्लस फाइव फोर, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फाइव के तो थ्री, फोर की पावर थ्री फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर, फोर प्लस फोर एट, एट में फाइव गया तो थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन में फाइव गया तो टू, फिर फोर की पावर फोर फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर, ठीक है फोर की पावर फोर, इसका मतलब देखो फोर की पावर फोर तो लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं पावर फोर करके लिखो, देखो फोर की पावर फोर कितना होता है, जितनी फोर की पावर जो भी करोगे ऐसा नहीं है, इसका मतलब इसमें फोर के अंदर चार बार ये संख्याएं लगी है प्लस फाइव, ठीक है बताया था मैंने कि यदि ए जी में है ए स्क्वायर में जी में होगा, इसका मतलब ये नहीं है ए डॉट ए, यदि ए मल्टीप्लाई ए है यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए प्लस ए भी संख्या हो सकती है, ए डिवाइड ए भी संख्या हो सकती है, ठीक है संख्या नहीं लगाएंगे इसलिए ऐसे नहीं होती, फोर की पावर फोर यानी चार में चार बार ये संख्या लगेंगे, देखो फोर प्लस फोर एट, एट में से फाइव गया तो थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन में से फाइव गया तो टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स में फाइव गया तो वन, फिर देखो फोर की पावर फाइव, फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फोर, देखो फोर प्लस फोर एट, एट में से फाइव गया तो थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन में से फाइव गया तो टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स में से फाइव गया तो टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स में से फाइव गया तो वन, गड़बड़ हो गई, फोर प्लस फोर एट, एट में फाइव गया तो थ्री, थ्री प्लस फोर एट सेवन, सेवन में फाइव गया तो टू, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स विद फाइव गया तो वन, वन प्लस फोर फाइव, फाइव विद फाइव गया तो जीरो, जीरो भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक ये समझ में आ गया, तो देख लो आराम से देखो और एक बार इसकी छोड़ दे लो, ठीक है उसके बाद देखते हैं उसके बारे में।
देखो अब देखो अब लिखेंगे अतः समूह जी प्लस फाइव में जनक अवयव वन टू थ्री और फोर है तथा जी प्लस फाइव क्या है एक चक्रीय समूह आइए समझे अतः समूह जी कोमा प्लस फाइव में जनक अवयव वन टू थ्री फोर है चारों ही ना चारों के सारे एलिमेंट आ गए ठीक है कैसे है डेफिनेशन क्या होती थी चक्रीय समूह में जनक अवयव कब होंगे जब मैं इस वन की पावर गुणांक घात निकाल देगा और ये बाकी सारे सारे एलिमेंट आ जाए अरे जो वन की पावर वन के लिए वन आया टू आया थ्री आया फोर आया फिर सारे एलिमेंट आ गए आए नहीं वन जनक अवयव ऐसे दूसरे भी आगे सारे एलिमेंट ऐसे तीसरे भी आगे ऐसे फोर से भी आगे इसका मतलब चार क्या हो गए जनक अवयव हो गए और एक भी जनक अवयव मिल जाएगा तो डी क्या हो जाएगा चक्रीय समूह हो जाएगा कोई लिख देते हुए जी कोमा प्लस फाइव एक चक्रीय समूह आ गया था समझ में देखो आगे देखो एक नोट लिखो बंधु क्या लिखोगे किसी भी चक्रीय समूह में किसी भी चक्रीय समूह में तत्समक अवयव तत्समक अवयव जनक किसी भी चक्रीय समूह में तत्समक अवयव होता है वो जनक अवयव नहीं होता है क्या बोला मैंने किसी भी चक्रीय समूह में तत्समक अवयव जनक अवयव नहीं होता अभी देखो हमने अभी जस्ट पहले एग्जाम्पल किया जी ग्रुप लिया था वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसमें जनक अवयव क्या है जनक अवयव क्या क्या है एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर जबकि तत्समक अवयव क्या है तत्समक अवयव वो क्या होता है वन होता है इसके अंदर पता है ना तो ये जनक अवयव नहीं था ऐसे सेकंड एग्जाम्पल के अंदर ये वाला जी जीरो वन टू थ्री फोर और ये प्लस फाइव इसमें जनक अवयव क्या क्या है जनक अवयव जनक अवयव के लिए वन टू थ्री फोर और तत्समक अवयव क्या होगा इसके अंदर जीरो जो कि क्या निकला जनक अवयव नहीं होता आया सर ये देखो आराम से समझो इसको ठीक है जब तक कि उससे मैंने आपको बता दिया इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो आगे देखो अब बात करते हैं अब हम आगे बात करते हैं चक्रीय समूह में
चक्रीय समूह में जनक अवयव, चक्रीय समूह में जनक अवयव की संख्या ज्ञात करना। चक्रीय समूह में जनक अवयव की संख्या ज्ञात करना। जो भी चक्रीय समूह है, अब मान लो कोई चक्रीय समूह है उसमें 50 एलिमेंट देखे, तुम ऐसे थोड़ा ना 50 की पावर चेक करते जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, देखो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। माना जी एक चक्रीय समूह है, अभी पेपर भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, और ये जो है जैसे एमपीएससी तुम एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो आ जाता है ये बार, तो अभी तुम्हें बताओ देती है। माना जी एक चक्रीय समूह है तथा जी में अवयवों की संख्या 30 है। माना जी में जी एक चक्रीय समूह है तथा जी में अवयवों की संख्या 30 है, तो चक्रीय समूह में जनकों की संख्या ज्ञात की। माना जी एक चक्रीय समूह है तथा जी में अवयवों की संख्या 30 है, तो चक्रीय समूह में जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, पहले 30 के फैक्टर करेंगे, 2 का डिवाइड किया कितना है 15, फिर 3 का डिवाइड किया कितना है 5, फिर 5 का डिवाइड किया कितना है, फैक्टर देख लेंगे क्या क्या आ रहा है, 2, 3 और 5। देखो देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन, जनकों की संख्या क्या ज्ञात करेंगे, जनकों की संख्या चक्रीय ग्रुप की, इतना जरूर लिखे ना, चक्रीय समूह में क्या होगा, देखो कितने एलिमेंट है उसके अंदर, 30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस पहला फैक्टर क्या है 30 का, 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2, दूसरा फैक्टर क्या है 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3, तीसरा फैक्टर क्या है 5, तो यानी कि 1 माइनस 1 बाई 5। सवाल में एक चीज देखो, 30 के फैक्टर किए 2, 3 और 5 फैक्टर आया, तो 2, तो 30 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 5। देखो 30 ये आ जाएगा 1 बाई 2, ये आ जाएगा 2 बाई 3 और ये आ जाएगा 4 बाई 5, कैंसिल कर दो 2 से ये कैंसिल, ये आ गया 10, ये आ गया 2, तो मेरे पास आ गया ये, तो जनपुर से आ गई मेरे पास। मतलब कोई चक्रीय समूह है जिसमें 30 अवयव है, तो उसमें जनकों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, कितनी होगी 8, आया समझ में। ऐसे एक और देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बस है ना, थ्योरी पेपर है इसमें भी कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि इस लैंग्वेज में तुम्हें बुक के अंदर लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है, इस कारण भी कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे तुम बार बार देखने की जरूरत, ठीक है। देखो आगे देखो,
देखो अब अवयवों की संख्या का देखते हैं, 27 है, कितनी है 27, यही काम करके 16 कर देते, 16 तो सेक्शन की फैक्टर करो, 2 का डिवाइड किया 8, फिर 2 का डिवाइड किया 4, फिर 2 का डिवाइड किया 2, फिर 2 का डिवाइड किया 1, तो इसका ओनली वन एक ही फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या फैक्टर आ रहा है 2, इसका मतलब जनपुर की संख्या क्या होगी 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 2, एक ही फैक्टर, ये मत करो मैंने कि 4 बार 2 आ रहा है 4 बार माइनस 1 बाई 2, नो ओनली और वन फैक्टर 2, क्या आएगा 16 सबट्रैक्ट 2 में 1 बाई 2 कट कर दिया कितना है 1, ये आंसर है। आगे बढ़ो, एक नल से बड़ी संख्या ठीक है, अवयव की संख्या देखो 2000 ले लिया, क्या ले लिया चक्रीय समूह में, माना जी एक चक्रीय समूह है, जी में अवयवों की संख्या 2000 है, तो चक्रीय समूह में जनकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तत्व फैक्टर का यूज हो जाएगा, टू का डिवाइड किया 1000 आ गया, फिर टू का डिवाइड किया 500 आ गया, फिर टू का डिवाइड किया 250 आ गया, फिर टू का डिवाइड किया 125 आ गया, फिर 5 कर दिया 25 आ गया, फिर 5 का डिवाइड किया 5 आ गया, फिर 5 का डिवाइड किया 1 आ गया, तो फैक्टर क्या क्या है, ये तो 2 और 1 5, तो जनकों की संख्या क्या रहेगी, 2000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 2 ओनली 2 और 1 माइनस 1 बाई 5, देखो 2000 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 और 4 बाई 5, ये 5 बटे 10 होते हैं, 1 दिन बन जाएगा, 2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 800 ये आ गया, यदि 2000 अवयव है किसी चक्रीय समूह में, किसी चक्रीय समूह में 2000 अवयव है तो उसमें जनकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 800 होगी, ठीक है, ये था चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल, और चक्रीय ग्रुप में जनकों की संख्या कितनी होती है वो फाइंड करना, आज इस क्लास के लिए आज इतना ही, ठीक है, आगे इसकी चक्रीय समूह की क्या करेंगे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आई हुई है आगे पेपर के अंदर पीछे, ठीक है ना, पीछे 5 साल पेपर में जो आई हुई है वो मोस्ट थ्योरम जो है वो क्या करेंगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।